सूरत कामरेज पुलिस द्वारा झड़पी पाड़वामां आवेली नकली नोट बाबते चौंकावनारा खुलासा थया छे, जेमां वधु 227 करोड़नी नकली चलणी नोटो झड़पाई छे। 227 करोड़ पैकीनी 67 करोड़नी जूनी नोट थई गईली, 1500 दरनी चलणी नोटो मळी आवी छे। आ समग्र प्रकरणमां मुख्य भेजाबाज विकास जैन सहित कुल 6 लोकोनी धरपकड कराई छे। आमां समग्र प्रकरण आंतरराज्य काळा नाणाने सफेद करवानुं कौभांड होवानुं सामे आव्युं छे। तपास दरमियान मुंबईथी झड़पायेल आरोपी विकास जैन द्वारा करवामां आवेली कबूलातमां अनेक चौंकावनारा खुलासा थया छे, जेमां विकास जैन द्वारा गुजरातना सूरत, अमदावाद, राजकोट सिवाय इंदौर, मुंबई अने बेंगलोरमां पण लाखो रूपियानो खर्च करी वैभवी ऑफिसो खोलवामां आवी हती। विकास जैन द्वारा काळा नाणाने धोळा करवाना कमिशन पेटे राजकोटना रवि परसाणा नामना वेपारी पासेथी 1.60 लाख, ज्यारे अन्य केटलाक लोको पासे 41.50 लाख रूपिया खंखेरी लेवामां आव्या हता। जेने काळा नाणा सफेद करवाना होय एवा लोकोने वीडियो कॉल करीने नकली नोटनो जत्थो पण बतावामां आवतो हतो। अत्यार सुधी सूरत पोलीस पासे भोग बनेला 7 થી વધુ લોકો સામે આવ્યા છે, જેમાં વિકાસ જૈન અને તેની ટોળકી આવા લોકો પાસેથી ડીલ ફાઇનલ થાય એટલે પહેલા આજે 10 થી 15% જેટલી રકમ ટોકન અમાઉન્ટ તરીકે લઈ લેતા હતા, ને ત્યારબાદ ડીલ આગળ ચાલે તો ઠીક નહોતી ટોકન મની લઈ હાથ ઊંચા કરી દેતા હતા। જ્યાંથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં આ બનાવટી નોટ આવેલ એ મુંબઈ જઈ અને વિકાસ જૈન एनो सागरित दीनानाथ यादव अने एनो ड्राइवर अनुष ए त्रणेनी गई काले मुंबई थी अटकायत करेली छे। अने विकास जैन घर एना गोडाउन वगैरह नू सर्च करता अने त्यां पण एक गहन पूछपरछ करी अने इंचार्ज SOG PI त्यां सर्च करता बीजी 227 करोड़ 4 લાખ અને 50 હજારની બનાવટી નોટો મળેલી છે।